नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस केस में आप एक ऐसे जघन्य अपराध देखेंगे कि कैसे एक मानव शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। ये लड़कियाँ कौन थी, क्या हुआ होगा इनके साथ कि इन्हें इतनी बर्बरता से मारा गया, इन्हें ऐसी सजा मिली। मतलब इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि उसे कभी भी मार के कहीं भी फेंक दिया जाए। क्या देश का संविधान और कानून का खौफ इन अपराधियों के मन में खत्म हो चुका है? अब इन्हें किसी बात का डर नहीं? बिना सर की बॉडी? स्मिता जी, चलो जरा आसपास देखो, बॉडी का सर कहाँ है? जी सर। गुप्ता, कुछ मिला? सर, जैसे आपने देखा, आप लाश पे कपड़े नहीं थे, सिर भी गायब है। सर, बॉडी को देख के लगता है एक दो दिन पहले मौत हुई। सर ये देख, गर्दन को जिस तरह से काटा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी आरी का इस्तेमाल किया गया है। वो तो पेड़ काटने वाली आरी होती है ना वैसे। सर ये देखिए, ये जलने का निशान, लेकिन काफी पुराना है। और रेत? नहीं सर, बॉडी की हालत इतनी खराब है कुछ बोल नहीं सकते। सर, इसका सिर आसपास कहीं नहीं मिला। हो सकता है कहीं दूर फेंक दिया गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ले गया। और ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। ये आसपास बहुत सारा ब्लड है और काफी ब्लड सूख भी चुका है। इस ब्लड को सैंपल के लिए लैब में भेजो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और साथ ही चेक करो कि पूरे मिर्जापुर में कितने मिसिंग कंप्लेंट हैं। जी सर। इंसान एक हफ्ते में अपनी जिंदगी बदल लेता है, लेकिन हमारे मिर्जापुर की पुलिस एक हेडलेस बॉडी की शनाख्त तक नहीं कर पाई एक हफ्ते में। पुलिस और प्रशासन का ऐसा ही ढीला रवैया अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा देता है और वो खुलेआम जुर्म करके निकल जाते हैं। चलिए हमारे पुलिस इंस्पेक्टर सर से ही पूछते हैं कि एक हफ्ते बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी है। सर बताइए। सर, तहकीकात चल रही है, प्लीज। थैंक यू। अपराधियों को पकड़ने की क्या योजना है आपके पास? हमेशा की तरह पुलिस के पास इस केस के लिए भी एक ही जवाब है कि तहकीकात जारी है। ये तहकीकात की एबीसीडी नहीं आती और माइक उठा के कुछ भी बोलने लगती है नंदिनी। मीडिया ने ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ शर्मा? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है लड़की की उम्र 20-22 साल थी और मौत का समय 4 जनवरी को दोपहर 3 से 5 के बीच। यानी कि जब हमें बॉडी मिली उसको 2 दिन पहले। जी सर, सेक्शुअल असॉल्ट या रेप का कोई निशान नहीं है, लेकिन लड़की सेक्शुअली एक्टिव थी। इसका मतलब है इस रिपोर्ट से भी कोई क्ल्यू नहीं मिला जिससे इस लड़की की शिनाख्त हो सके। शर्मा, इस लड़की की डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर करो और अनाउंस करो कि जो भी इस केस में हमारी मदद करेगा उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। शायद कोई मदद के लिए सामने आए। सर, पुलिस तो कभी कुछ करती नहीं है, ये केस मिर्जापुर की छवि खराब कर रहा है। खूनी को पकड़ना पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं ना। और क्या करते? सर, आपसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है। जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी तो किससे? सर, जनता आपसे नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी? सर, दर्शकों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि इनाम की राशि को 10 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी इनाम की राशि अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। काश हमारे मिर्जापुर की पुलिस भी 10 गुना ज्यादा मेहनत करती तो शायद एक केस जल्दी सॉल्व हो जाता। लगता है एक केस भी जनता के हाथों में सॉल्व करना ही लिखा है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि बॉडी के सीधे पैर पर जले का निशान है और बाएं कंधे पर तिल। नंदिनी को पुलिस के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है। सर, हमेशा नेगेटिव बोलती है। सर, जैसे आपने कहा था, फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चला है कि क्राइम सीन पर 2 अलग-अलग ब्लड सैंपल्स मिले। ये देखिए सर। सर, ये भी तो मुमकिन है कि जिसने भी ये खून किया है बॉडी काटते समय उसे भी घाव हो गया और वो दूसरा खून उसका हो। लेकिन क्राइम सीन पर जितना ब्लड था उसे देखकर ऐसा नहीं लगता वो किसी छोटे मोटे घाव से निकला है या किसी एक लाश का है, जरूर कोई दूसरा भी था। सर, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा खून हुए हैं? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि एक नहीं 2 खून हुए। शर्मा, एक काम करो, जितने भी हार्डवेयर हैं, टूल के स्टोर हैं, वहाँ पे पता करो किसी ने इलेक्ट्रिक सॉ खरीदी थी क्या।
लेकिन सर इलेक्ट्रिक आ रही है क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह का क्लीन कट लगा हुआ था वो किसी हाथ की आरी से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए जरूर इलेक्ट्रिक सॉ लगा है। जरा पता करो। जी सर। और हाँ, वो डॉग स्क्वाड से कुछ पता चला? सर डॉग स्क्वाड की मदद से हम हाईवे तक जा पहुंचे, उसके आगे कुछ नहीं। क्या बात करनी है? वो खबरों में देखा कि एक लाश मिली है, सर कटी लाश। सर आपसे मिलना चाहते। सर सर वो जो खबरों में लाश दिखा रहे हो वो हमारी बेटी की लाश है सर। बैठिए। हमें लगा कि वो हमारी बेटी मुनीरा है सर। आराम से बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम अंसारी है सर। लेकिन आपको कैसे पता चला वो मुनीरा ही है? जब वो 10 साल की थी तो खाना पकाते हुए उसका सीधे पैर की एड़ी चल गई थी और अब तक वो नहीं जानते सर। और बाएं कंधे पर सिर, न्यूज में यही पहचान बता रहे सर, वो हमारी मुनीरा ही है सर। सर हम घर में मोमबत्ती और दिया बनाने का काम करते सर, और हमारी मुनीरा मिर्जापुर की दुकानों में उसे बेचा करती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात नवाज शेख नाम के एक आदमी से हुई और थोड़ी दिनों में दोनों को प्यार हो गया। हमी ने दोनों का निकाह करवाया था। कबूल है। कबूल है। लेकिन निकाह के बाद मुनीरा को पता लगा कि नवाज शेख शादीशुदा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और 3 महीने पहले वो नवाज शेख को छोड़कर वापस घर आ गई सर। मुनीरा हमारी बच्ची सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अम्मी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नवाज ने हमें धोखा क्यों दिया? ऐसे मत रो बच्चा, तू तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? अम्मी हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, उम्र भर आपके साथ ही रहेंगे। उसने अपने आप को संभाला साहब और फिर से मिर्जापुर की दुकानों में सामान बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 2 महीने पहले उसकी मुलाकात आलम नाम के एक शख्स से हुई और दोनों को प्यार हो गया साहब। मुनीरा कहाँ जा रही है तुम? अभी एक रिश्ते से निकलकर तुम संभली भी नहीं हो और तुम दूसरे रिश्ते में जा रही हो? हमें लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो। अम्मी आप भरोसा रखें, हम इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सच्ची। और आलम को परखने के बाद ही हम उससे निकाह करेंगे। लेकिन किसी को परखने के लिए उसके साथ बिना निकाह किए रहना ये सही नहीं है बेटा। अम्मी हमारा दिल कहता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, भरोसा रखें हम पे। लेकिन बेटा अम्मी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो अक्सर हमसे मिलने आया करती थी सर, लेकिन 2 हफ्ते से उसने मिलने आना बंद कर दिया, तब फोन भी बंद है सर। आप हमें नवाज और आलम का पता बताइए प्लीज। सर हमें नवाज का पता तो मालूम है लेकिन आलम का पता नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि आलम की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है नया नगर में, बस हम इतना ही जानते हैं सर और कुछ नहीं जानते। या अल्लाह क्या मुनीरा का कत्ल हो गया? जी, तो मुनीरा की माँ का कहना है कि मुनीरा को तुम्हारे पहले बीवी के बारे में पता नहीं था। सर ये सरासर झूठ है। देखिए हम मानते हैं कि हमारे मजहब के अंदर एक से ज्यादा निकाह करने की हमें इजाजत है,
लेकिन पहली बीवी के बगैर इजाजत के हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। और मुनीरा को यह सब बात पता थी कि हमारा निकाह पहले से ही नुसरत के साथ हो चुका है, लेकिन मुनीरा चाहती थी कि वो हमसे निकाह करे। हमने उसे पहले ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मुनीरा हमें धमकी देने लगी, अगर हमने उससे निकाह नहीं किया तो हमारे घर के बाहर जो अपनी जान दे देगी। ये क्या करते साहब, उस पे जैसे कोई भूत सवार था और हम किसी की मौत का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए हमने ही नवाज को कहा था कि उससे निकाह कर ले। मुनीरा से निकाह करने के बाद वो हमारी जिंदगी में नासूर बनने लगी। जब भी हम काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते वो नुसरत से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। नुसरत, हमने तुम्हें मना किया है ना, जब तक हम किचन में हो तो अंदर मत आया करो। मुनीरा, हम बस पानी लेने आए थे। हाँ तो इंतजार कर सकती थी ना, जब तक हम खाना बना रहे थे। मुनीरा चाहती थी कि हम नुसरत को छोड़ दें, लेकिन हमने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि हम नुसरत को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हमारी जिंदगी बद से बदतर बनने लगी और 3 महीने पहले अचानक मुनीरा घर छोड़कर चली गई। तो तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? तुम्हारी बीवी थी वो? जी सर, हमारी बीवी थी, लेकिन आपने सुना होगा ना कि तुम रूठे हम छूटे, हमें लगा कि भला टल गई, इसीलिए हमने उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आलम को जानते हो? आलम? कौन आलम सर? 4 जनवरी को तुम दोनों कहा थे। सर, हम बदायूं गए थे अपने एक रिश्तेदार के निकाह में और रात को लौट कर वापस आए थे। तुम्हारे सभी रिश्तेदारों की डिटेल चाहिए हमें। जी। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम लोग शहर छोड़ के नहीं जा सकते। जी सर। सर, नुसरत और नवाज ने हमें जो कुछ भी बताया था सब सही है। 4 जनवरी को वो दोनों भदोही में ही थे, लेकिन कत्ल कराया भी तो जा सकता है क्योंकि इन दोनों के पास मोटिव है मुनीरा को मारने का। और सवाल ये है कि क्राइम स्पॉट पर जो दूसरा ब्लड मिला वो किसका था? शर्मा, एक काम करो, इन दोनों मियां बीवी की और डिटेल्स निकालो और शबनम ने जो मुनीरा का नंबर दिया था उसकी भी CDR निकालो। जी सर। सर, आलम खान के घर का पता चल गया। चलो। ये आलम यही रहता है? जी साहब, पर वो तो कई दिनों से लापता है और उसने तो कमाल भाई जान का 2 महीने का किराया भी नहीं दिया है। कहाँ रहते हैं कमाल भाई जान? जी साहब, ये पीछे रहता है। गुप्ता, चाबी लेके आओ। सर। साहब, खाना भी यहीं पर खाता है और 1 महीने से पैसे भी नहीं दिया है। कहता है आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे घुमा रहा है। साहब, बिरयानी खाएंगे क्या? नहीं नहीं सर, चाबी मिल गई। यही है वो नल्ला आलम। सर, ये देखिए इसमें कुछ है। बाहर निकालो। या अल्लाह, क्या है इसमें? ये मुए ने क्या छुपा के रखा होगा इस पे? बाहर निकालो। या अल्लाह, ये क्या है? किसका सर है? जाइए बाहर, जाइए। हाँ जाइए। पुलिस का शक सही साबित हुआ। आलम के घर 2 सर मिलने का मतलब था कि 2 कत्ल हुए थे। DNA टेस्टिंग से यह भी साबित हो गया कि 1 सर उनमें से मुनीरा का था, लेकिन दूसरा सर किसका था और उसका धड़ कहाँ था ये नहीं मालूम चल रहा था। क्या आलम इन दोनों का कातिल था? क्या उसने इन दोनों के सर अपने घर में यादगार की तरह रखे थे? अगर नहीं तो कातिल कौन था?
क्या ये दोनों मामले अलग अलग थे? और अगर अलग अलग थे तो दोनों सर आलम के ही घर में क्यों मिले एक साथ? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उन जवाबों तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस के ऊपर मीडिया का बहुत प्रेशर था, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने दुकानदारों से, सप्लायर से पार 100 के बारे में, बिजली से चलने वाली आरी के बारे में पता किया और उन्हें मालूम चला कि पिछले ही महीने कुछ पार 100 की बिक्री हुई थी, लेकिन वो सब बिजनेस के इस्तेमाल के लिए थे और उन्हें सुरक्षित लॉक करके रखा गया था। फिर पुलिस ने अपने खबरियों को एक्टिवेट किया 15 से 20 साल की लड़की की तलाश के लिए, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी तक नहीं हुई थी। साथ ही आलम की भी तलाश जारी थी, क्योंकि वही एक था जो इस पहेली को सुलझा सकता था। एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों की हत्याएं हुई है, पुलिस को दो सर बरामद हुए। इसी के चलते मिर्जापुर में भी दो गुनी दहशत बढ़ गई है, पुलिस और प्रशासन पर भी दो गुनी कीचड़ उछाली गई है। आखिर पुलिस कब तक इस केस में ढिलाई देती रहेगी? ये केस महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या पुलिस सही दिशा में तहकीकात कर रही है? अरे मियां, दरवाजा खोलिए। कौन? प्रधान जी ने चुनाव जीतने की खुशी में सबको मिठाई और तोहफे दिए हैं। जल्दी दरवाजा खोलिए और अपना तोहफा ले लीजिए, हमें और भी घरों में जाना है। ले लीजिए आपकी मिठाई और ये तुम्हारा तोहफा। अरे कौन है? साहब ने कुछ नहीं किया। साहब कुछ नहीं किया? तूने दो लड़कियों को मार के उनके सर काट के घर में रखे हुए हैं, बोल रहा है कुछ नहीं किया है। वो दूसरी लड़की कौन थी? साहब हमें नहीं पता। साहब मुनीरा को तो जानता था ना? हाँ साहब, मुनीरा को तो मैं हम पिछले साल नवंबर में मिले थे साहब। हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया था। वो बाद में निकाह पर जोर डालने लगी थी साहब। आलम, अब ना हमें निकाह कर लेना चाहिए। निकाह? हाँ, हमें तुम्हारे साथ जिंदगी बतानी है। ये तो उसके लिए निकाह की क्या जरूरत है, हम लोग ऐसे भी साथ में रह सकते हैं। तुम हमारे साथ निकाह करना चाहते हो कि नहीं? निकल गया। पर आलम, कैसा कर सकते हो तुम हमारे साथ ऐसा? हो गया आप हमारा। पर आलम, बोला ना तुम्हारे कभी शक्ल में दिखाना। चल निकल। पर आलम, आलम मेरी बात सुन। निकल। खुदा हाफिज। हमने उसे दिसंबर में घर से बाहर निकाल दिया साहब, तो उसके बाद हम उसे कभी नहीं मिले। तो फिर छुप क्यों रहा था साहब? हम डर गए थे। हमें मालूम पड़ा था कि मुनीरा की माँ शबनम को लगता है कि वो पुलिस को जो लाश मिली है वो मुनीरा की है। हमें मालूम था कि वो हमारे ही नाम लेगी, इसलिए वहां से भाग गए हम। हजारों स्टोरी सुनी है हमने ऐसी। अम्मी कसम, हम सच कह रहे हैं। हम जब जनवरी के पहले हफ्ते में वहां पे पहुंचे, तो जब हम घर लौटे तो हमने देखा घर के दरवाजे का ताला खुला था। हम सब अंदर गए तो फटाफट सब चेक किया और सब ठीक था। सबसे कुछ भी चोरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हमें क्या मालूम था कि वो हमारे घर में दो खोपड़ियां रखने के लिए घुसा था। हम सच कह रहे हैं साहब, सच कह रहे हैं। तेरे घर से दो दो लड़कियों के कटे हुए सिर मिले हैं, उन दोनों के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है तुझे, डालो से हवालात में। अरे साहब, साहब हम सच कह रहे हैं सब। सर एक महीना बीत गया लेकिन किसी दूसरी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई और ना ही आलम के लाइफ में किसी दूसरी लड़की के बारे में पता चला। सर समझ नहीं आ रहा ये दूसरी लड़की है कौन और उसका मुनीरा और आलम से क्या लेना देना है। सर मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर दोनों सिर आलम के घर में रखे थे ताकि उसे फंसा सके। हाँ लेकिन आलम को फंसाने के लिए तो मुनीरा का सर ही काफी था, दो क्यों? मुझे लगता है ये आलम ही कातिल है, इसे अच्छे से तोड़ो सब बकेगा। एक्सक्यूज मी सर, खबरी का हेलो कौन से एरिया? ठीक है सर, खबरी ने बताया कि मिर्जापुर के बाहर मॉडल टाउन में एक योगिता नाम की लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ जनवरी के पहले वीक में भागी है, लेकिन योगिता के फैमिली वाले इस बात के बारे में किसी से बात ही नहीं कर रहे। योगिता कहाँ है? मतलब अपनी ससुराल में होगी दिल्ली में, और कहाँ? ससुराल में होगी, मतलब उसकी शादी हो गई। कब? दो महीने पहले। दो महीने पहले उसकी शादी हो गई? आपके किसी भी पड़ोसी को नहीं पता? हाँ नहीं पता पड़ोसियों को, हमने किसी को शादी में बुलाया नहीं था, छोटे रूप में की थी शादी, कोई दिक्कत? आपके दामाद का नाम क्या? लक्ष्मण चौरसिया। फोटो दिखाइए।
फोटो दिखाओ। ये फोटो नहीं, शादी का फोटो दिखाइए। जमाई राजा अभी तक फोटो एल्बम भेजे नहीं है। मैडम वॉशरूम कहाँ है? हाँ वो यहाँ पर। सॉरी सर। दिल्ली का अपने दामाद जी का एड्रेस दे दीजिए, हम खुद जाके देख लेंगे। आपको नहीं लगता कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं? जाइए, नहीं देते आपको एड्रेस और डिटेल्स। ऐसा है, हम ना एक वकील हैं और अपने राइट्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा हक बनता है ये जानने का कि हमें पता हो कि आप लोग यहाँ पर किस लिए। हमें एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है, उसकी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि उसके कातिलों को सजा दिला सकें। हमें कोई शौक नहीं है किसी की प्राइवेसी में दखल देने का। लेकिन आपको क्या, आपकी बेटी तो सही सलामत है ना दिल्ली में? चलो शर्मा, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। शर्मा वेरी गुड, इसमें लगे बालों को तुरंत डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और उनसे कहो कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है। क्या ये पुलिस का कोई स्टंट है ताकि जनता का गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हो सके? सर, सर क्या पुलिस ने एक निर्दोष आदमी को जेल में डाल दिया है ताकि खुद बिना किसी शर्म के बाहर घूम सके? क्या लगा रखा है, तुम्हारा काम पब्लिक को सिर्फ फैक्ट्स बताना है, ना कि टीआरपी के लिए न्यूज के नाम पर सेंसेशन फैलाना। पर ये आधी अधूरी जानकारी पब्लिक में सिर्फ भय और उत्सुकता पैदा करती है और कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या बार बार बोलती हो पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है? तुम्हें क्या पता है हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं? हम हर दो मिनट में माइक लेकर पब्लिक को नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और केस के बारे में सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में दे देंगे तो केस को नुकसान होगा कि नहीं होगा? जितनी जानकारी तुम्हारे पास है उसके सिर्फ फैक्ट्स पब्लिक को बताओ, पब्लिक तुम्हें थैंक यू बोलेगी। मैं हमारी बात तो सुनिए, हमने कुछ नहीं किया मैम, हम कुछ नहीं जानते सर, सच बता रहे हैं। ये गंगा आप ही का है ना जी? तुम क्यों बोल रही हो, अब है ना यहाँ पर? ये गंगे हम आप लोगों के घर से लेकर गए थे, इस पर लगे बालों को हमने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा और हमारे पास जो कटावा सर है उसके बालों से मैच कराया, दोनों का डीएनए मैच हुआ है। आप लोगों के घर में आपके अलावा आपकी बेटी ही रहती थी, हमारे पास जो कटावा सर है योगिता का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम केस करेंगे आपके ऊपर, आपने ही लीगल तौर पे हमारे घर से कंगा लिया है, ये अनऑफिशियल है। और एक बात बताएं आपको, कोर्ट में ना ये डीएनए रिपोर्ट खारिज हो जाएगी एक सेकंड में। हम तुम्हारी बेटी के कातिलों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हम पर मुकदमा ठोकने की बात कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपनी बेटी को मारा है? हम क्यों मारेंगे योगिता को? तो तुम बताओ, झूठ बोला है ना हमसे, केस में झूठी जानकारी दी है तुमने हमें? तुम लॉयर हो ना, अच्छी तरह से जानते होगे कि झूठी जानकारी देने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। मैं अरेस्ट करके थाने लेके जाऊंगा, वहां तुम्हारा डीएनए टेस्ट करूंगा, तुम्हारे हलक में से निकलवाऊंगा फिर। सर वो योगिता, ठीक है सर, हम सच बताते हैं, हम मानते हैं कि हमने योगिता की शादी वाली बात और उसके दिल्ली में रहने वाली बात को झूठ बोला है। वो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गई थी और हमने सोचा कि वापस आ जाएगी, इसलिए पुलिस में कंप्लेंट नहीं किए थे बस। योगिता आपके घर से 4 जनवरी को गई थी ना? आप हमारी वाइफ से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको कि हम 4 जनवरी था, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता है। शर्मिंदगी की वजह से हम
मिसिंग कंप्लेंट नहीं किए थे बस। शांति बहुत अच्छी है, हम सब लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं और हमेशा मंदिर में भजन कीर्तन के समय हम उससे मिलते ही रहते हैं। लेकिन उसका पति धर्मपाल, हम लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। क्यों? बड़ा टेढ़ा और कमीने टाइप का इंसान है धर्मपाल, और वकील तो उससे भी वाहियात दे, केस के नाम पर पैसे लूटता है। ऐसे लोगों के वजह से लोग डरते वकीलों से। और मैडम, वो 3 नंबर गली वाली भावना, वो बता रही थी कि शायद योगिता का चक्कर किसी दूसरे धर्म वाले लड़के के साथ था, और जब ये बात धर्मपाल को पता चली तब तो उसने घर पर बहुत ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया था। इस धर्मपाल को अपनी बेटी योगिता के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन ये बात इसने हमें नहीं बताई। पर आगे भी हम उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन मुझे पता है कौन हमारी मदद कर सकता है। नमस्ते। आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से। देखिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए और योग्यता के कातिल को पकड़ने के लिए हम यहाँ पर आपसे मदद मांगने आए हैं। देखिए, आप हमारे पति को नहीं जानती, अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में यहाँ देख लिया। योग्यता वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर मिल सकती है, और हमें यकीन है कि भगवान भी यही चाहते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब हमारी बच्ची योगिता को इमरान सिद्दीकी नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। दोना। योगिता। अंकल। बस। पकड़ इसे। मुस्ता। करिया। पापा, पापा एक बार सुनिए तो सही, पापा। इसी दिन के लिए तो पढ़ाया लिखाया था, आजादी दी थी। शांति, आज के बाद ना ये घर से तब तक नहीं निकलेगी जब तक हम अपनी जाति का लड़का देखकर इसकी शादी ना कर दें। पापा, आप किस जमाने में जी रहे हैं? ये कौन सा तरीका अपने पापा से बात करने का? तुम्हारे भले के लिए तो कह रहे हो। मां, आप भी जानती है कि पापा गलत है। अगर दोबारा आपने हम पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। अगर आप वकील हैं तो हम भी अपने अधिकार जानते हैं, और हम 20 साल के हो चुके हैं। अगर इस देश में हम अपने मर्जी से वोट कर सकते हैं तो हम शादी भी अपने मर्जी से ही करेंगे। हम भी देखते हैं कि कैसे करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। योगिता, पापा आप सुनिए तो सही। मैं बस, अरे भाई साहब, अरे मेरी बात तो सुनिए पापा। बट भाई साहब, देखिए, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हम बड़े ही शांत प्रिय आदमी हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारी बातें मानी जा रही है, धर्मपाल जी की बेटी से दूर रहिए, वरना दोस्ती महंगी पड़ सकती है। अभी मुझे और योगिता को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, क्या मतलब है इस नोटिस का? और हमारी शॉप कोई गैर कानूनी नहीं है? हाँ, गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से हथियाई गई जमीन पर बनाई गई है दुकान। हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी ये दुकान और ये जमीन गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, आप सबूत दीजिए, लेकिन हाँ, तब तक ये शॉप सील रहेगी। चलिए चलिए सर, हमारे कारोबार का। चलिए भाई, सील करिए। ये तालाब एक ही चाबी से खुल सकता है। योगिता को भूल जाओ। हमारे पति ने हमारी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, इस हद तक कि इमरान की भाभी सादिया तक योगिता के खिलाफ हो गई। उसने तो इमरान से कहा कि वो योगिता के पापा ने हमारी दुकान बंद करवा दी, हमें इतना परेशान किया, और तुम अभी भी इसी के बारे में सोच रहे हो। वो अब इस घर में नहीं आएगी। पर इमरान और उसका बड़ा भाई अजहर दोनों पीछे नहीं हटे। इमरान हमारी बच्ची से बहुत प्यार करता था, फिर दोनों ने एक बार यहाँ से भाग जाने का ठाना 4 जनवरी को तकरीबन 2:30 बजे, जब हमारे पति घर पर नहीं थे। ये कंगन मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए थे, इसे तुम अपनी शादी वाले दिन पहन लेना।
भगवान पे भरोसा रखो माँ, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी बच्ची, उस दिन हमने हमारी बच्ची को आखिरी बार जाते हुए देखा, उसके बाद उसका कभी कोई फोन नहीं आया। ये योगिता इमरान के साथ भागने वाली थी जब इसका खून हुआ। सर योगिता भागने वाली थी ये सिर्फ दो लोगों को पता था, इमरान और दूसरा उसकी माँ शांति। सर ये हो सकता है कि शांति ने योगिता को मारा और अब रोने का नाटक कर रही है। सर या फिर इमरान कभी योगिता से शादी ही नहीं करना चाहता और योगिता उसे फोर्स कर रही हो, इसलिए इमरान ने योगिता को मार दिया। या फिर ये धर्मपाल, शायद इसे पता चल गया हो कि योगिता घर से भागने वाली है और उसने घात लगाकर योगिता को मार दिया। सर इमरान की भाभी सादिया भी हो सकती है क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ हो गई थी, या फिर उसका भाई अजहर क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए तैयार था लेकिन सिर्फ तब जब धर्मपाल इस रिश्ते को मंजूरी देगा। सर मार तो कोई भी सकता है लेकिन सवाल यह है कि योगिता इमरान के साथ शादी करने के लिए भागने वाली थी, इस वजह से कोई योगिता का इतनी बहरे में से मर्डर क्यों करे? और ये मुनीरा, इसका क्या, इसका योगिता के साथ क्या कनेक्शन है? अब ये मुनीरा की वजह से योगिता मरी है या योगिता की वजह से मुनीरा, ये भी तो एक पहेली है। सर अगर ये दोनों मर्डर योगिता की फैमिली या सिद्धि की फैमिली में से किसी ने किया है तो फिर ये दोनों सिर आलम के घर पे कैसे मिले? ये तो आलम ही बताएगा, ढूंढो इसे। लेकिन इससे पहले इसे इमरान को उठा के लेके आओ, देखें ये क्या कहानी सुनाता है। बोल। हाँ हम 4 तारीख को मिलने वाले थे, भागने वाले थे, वो हमें हाईवे के पास मिलने वाली थी पर वो वहाँ कभी आई नहीं। हमें क्या पता कि वो आई या नहीं, तेरे दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही हो। तूने उसे वापस जाने के लिए कहा, वो नहीं गई तो मार दिया उसे, क्योंकि आखिरी कॉल योगिता ने तुझे किया था। सर आप क्या कह रहे, हम उसे क्यों मारेंगे, हम तो उससे शादी करने वाले थे, हम दोनों इसलिए तो उस रोज अपने अपने घर से भागे थे, फिर पता नहीं अपने बाप के डर से शायद उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। हमें इसी बात का तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ था कि उसने हमें ये बात बताने की जहमत तक नहीं उठाई। उस रोज़ इंतज़ार करते हुए हमने उसे बहुत से कॉल और मैसेजेस किए पर उसने एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया। सर फिर जैसे तैसे हमने अपने आप को संभाला और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मर्डर हो गया। सर जिस किसी ने भी उसका मर्डर किया ना, अगर वो इंसान हमें मिल गया तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़े, उसके टुकड़े टुकड़े करके हम उसे कुत्तों को खिला देंगे। हारियों की तरह हमें धोखा नहीं दिया था। इमरान का इस तरह आवेश में आकर बोला हुआ हर शब्द दो तरफ इशारे कर रहा था, एक ये कि या तो वो सच बोल रहा था या फिर वो बहुत अच्छा एक्टर था, लेकिन किसी भी सूरत में पुलिस का शक उस पर बना हुआ था। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। एक बात तो तय थी कि योगिता और मुनीरा की मौत एक ही जगह पर हुई थी। दोनों के सर को धड़ से अलग कर देना, मुनीरा की लाश वहीं छोड़ के योगिता की लाश ले जाना और दोनों के सर का आलम के घर में मिलना बहुत पेचीदा था ये सब समझना। तो क्या आलम ने दोनों की हत्या की थी, और अगर नहीं की थी तो किसने की थी, और क्या वो इंसान इन दोनों लड़कियों को जानता था? पुलिस को अभी तक इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा था। एक बात तो तय थी कि इन दोनों की मौत के पीछे किसी संकी का हाथ था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों लड़कियों को जिनके बीच में कोई संबंध नहीं था मारने के लिए उन्हें क्यों चुना गया। पुलिस यही सब सुलझाने में लगी थी तभी एक सुराग उनके हाथ लगा जो शायद इस केस को सुलझा सकता था। सर ये इंदु जोशी योगिता की बचपन की सहेली, सर ये आपको कुछ बताना चाहती है। बैठो बैठो। हाँ बोलो। सर योगिता को धमकी मिली थी। सुन लड़की, अपने ही धर्म में रह समझी, दूसरे धर्म को भूल जा वरना हम भूल जाएंगे तुम हमारे धर्म की लड़की हो, समझे? योगिता बहुत घबरा गई थी सर, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और वही करने की सोची जो वो करना चाहती थी। अच्छा तुम तो योगिता को बचपन से जानती हो, उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा उसके साथ ये? धर्मपाल अंकल। बोल बोल बोल, जितना मारना है ना मार लो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। योगिता के बहाने में उस लड़के का भूत उतारना चाहता था, इसलिए उन्हें भेजा था उसे धमकाने के लिए। और जब वो नहीं डरी
उसे मरवा दिया। भाई मैं अपनी बेटी को कभी नहीं मर सकता। एक बाप होने के नाते उसकी रक्षा कर रहा था, उसके धर्म की, उसकी संस्कृति की कौन सा गुनाह कर रहा था। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म को भूल जाएं। मुनीरा को जानते हो? कौन मुनीरा? मैं किसी मुनीरा को नहीं जानता। इसे? नहीं। शर्मा जरा इधर आओ। ये धर्मपाल इससे ज्यादा बोलने वाला है नहीं, ये नवाज और नुसरत के बारे में और पता करो। नवाज और नुसरत की जोड़ी तो बड़ी कमाल की है, माशाल्लाह। अच्छा हुआ दोनों फिर से साथ में आ गए। मतलब जब नवाज ने मुनीरा से शादी की थी तो नुसरत उसे छोड़ चुकी थी। जी सर। और सर ये भी पता चला है कि नुसरत उसी दिन घर छोड़ के गई थी जिस दिन नवाज ने मुनीरा से शादी की थी। तो नुसरत के रजामंदी का और मुनीरा का घर पे रह के झगड़े करने का तो सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि नुसरत कभी घर पे थी ही नहीं। और सर मुनीरा के घर से निकल जाने के बाद नुसरत घर वापस आई। लोगों का ये भी कहना है कि नुसरत के भाई जफर का नवाज पे काफी प्रेशर है और इस जफर का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है। सर हम मानते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा, अगर आपसे झूठ नहीं कहते तो मुनीरा के कत्ल में आप हमें जिम्मेदार समझते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ तुमने जफर के दबाव में आगे किया है। दबाव? कैसा दबाव सर? हम तो उसे कोई वास्ता ही नहीं रखते। तुम्हारी, नुसरत की और मुनीरा की पूरी कहानी हमें पता है, अब सब कुछ सच सच बता दो। सर वो मुनीरा को हमारे और नुसरत के निकाह के बारे में नहीं पता था। पर तुमने उसे बताना जरूरी भी नहीं समझा, क्यों? सर वो बहुत सुंदर थी, हम उससे निकाह करना चाहते थे, लेकिन निकाह के कुछ दिनों बाद ही। उस दिन के बाद से मुनीरा और हमारे बीच में झगड़ा होने लगा, तनाव बढ़ने लगा, फिर एक दिन वो घर छोड़कर चली गई। तो तुम क्या उम्मीद करते थे, वो जश्न मनाती? और जफर अहमद, उसका इस सब में क्या रोल? देखिए साहब, हमने आपको पहले ही बता दिया, जफर भाई से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उनके कारनामों की वजह से हमारा परिवार उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। क्या जनाब, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। अरे नुसरत तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखती थी तो वो क्या बोलेगी? चलिए मान लीजिए ऐसा होता भी तो आपको क्या लगता हम जीजू का निकाह ही क्यों होने देते मुनीरा से? ठीक है जाओ। सलाम सर। सर आपने इसे जाने क्यों दी? ये इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं था। नजर रखो इस पे, जरूर कोई लीड मिलेगी। सर आपके लिए चाय। गुप्ता मैंने चाय मंगाई? नहीं। तो लेके जाओ। ये इस केस में हर बार डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अगर ये सभी निर्दोष हैं तो फिर इन दोनों लड़कियों को मारा किसने? ये योगिता की बॉडी कहाँ है? शर्मा बॉडी निकालने के लिए किसी को बुलाओ। सर बॉडी पूरी तरीके से गल चुकी है और देख के कहना मुश्किल होगा कि इसकी मौत कब हुई है, लेकिन अगर यही योग्यता है इसका मतलब करीब एक महीने से भी ज्यादा हुआ है इस लाश को यहाँ नाले में पड़े हुए। अगर इस बॉडी को एक महीने से ज्यादा इस तालाब में पड़े हुए हो गया है और ये योग्यता है तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि इसे भी मुनीरा के साथ ही मारा गया था और उसकी बॉडी को यहाँ लाकर डंप कर दिया गया। बॉडी के सिर्फ चार ही टुकड़े हैं, शायद बॉडी को इसलिए टुकड़े किए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, ताकि किसी छोटी गाड़ी मतलब बाइक स्कूटर रिक्शा पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एग्जैक्टली। इसकी एक टांग गायब है, इधर ड्राइवर्स को बुलाओ और उसे खोजने की कोशिश करो। सर जैसा पुलिस को शक था वैसे ही हुआ। आलम खान के घर मिला दूसरा सर योगिता का ही था।
डीएनए रिपोर्ट में तो ये पता लग ही गया था, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि मुनीरा की तरह ही योगिता को भी मारा गया था। दोनों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, लेकिन दोनों की मौत में एक अंतर था, वो ये कि योगिता के शरीर को 4 टुकड़ों में काटा गया था पारसौ यानी बिजली से चलने वाली आरी से। पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि शहर में किस किस के पास ऐसी पावर सौ है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा क्लू मिला जिससे इस केस को एक नया मोड़ मिल गया। सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि जो तालाब में बॉडी मिली थी वो योगिता की है। ओके शर्मा, ये देखो, ये नुसरत अपने भाई जफर से मुनीरा के कत्ल से सिर्फ 2 दिन पहले ही मिली। मतलब ये नुसरत, जफर और नवाज सबके साथ झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये फोटो जिस ईमेल आईडी से आई है उसका नाम है कड़वा सच। मैंने पूजा को बोला है साइबर सेल से जरा डिटेल निकाले इस आईडी की। सर, लगता है कोई गुमनाम रह के हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये भी तो है कि जिसने फोटो भेजी है उसे पता है कि जफर, नवाज और नुसरत ने हमें क्या बताया है। हमने आपको पहले ही बता दिया, जफर भाई से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम जीजू का निकाह ही क्यों होने देते मुनीरा से। अब ये बातें हमने पब्लिक डोमेन में तो रखी नहीं है। एक काम करते हैं, इन तीनों से पूछताछ करने से पहले जिसने ये फोटो भेजी है उससे पूछताछ करते हैं। सर, सर आपको यकीन नहीं होगा ये फोटो हमें किसने भेजी है। किसने? तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? सर, हमने आपकी मदद करने के लिए वो फोटो भेजी और आप हम पे ही शक कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं शक। उसका रीजन है, आपने जिस जफर का हमें फोटो भेजा है हमें पता है कि तुम उसके रेगुलर कॉन्टेक्ट में थी। हेलो, आपके सारे कॉल रिकॉर्ड्स साफ पता चल रहा है उसके रेगुलर टच में हो तुम। बोलिए, क्या माजरा है? सर, कुछ समय पहले जब हम अंडरवर्ल्ड की स्टोरी और रफीक गैंग के मर्डर की स्टोरी कवर कर रहे थे तब हम जफर से मिले थे और हम एक दूसरे से प्यार हो गए। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन कुछ टाइम पहले जब हमने उसे एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तब हमें उससे बदला लेना था। जफर ने हमें बताया कि उसकी बहन नुसरत ने उससे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिए, लेकिन जब हमने उसे नुसरत से मिलते देखा तो उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया, वही फ़ोटो आपको भेज दिया। ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। सर, हमें हमारा बदला चाहिए और आपको सबूत। अगर ये फ़ोटो आपको इस केस को सॉल्व करने में मदद करता है तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये फ़ोटो हमने आपको दिया है। सर, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, कई बार पुलिस टीम और रिपोर्टर साथ में काम भी कर सकते हैं। नाइस थॉट। शर्मा, जरा जफर को एक विजिट दो। कौन है भाई? जफर भाई, आपके लिए पार्सल आया है। किसने भेजा है? देख लो। पूरे घर की तलाशी लो। क्या कर रहे आप लोग? जल्दी पता चल जाएगा। घर का एक एक कोना चेक करो। सर, सर एक मिनट, यहाँ आइए। सर ये देखिए, सर ये देखिए, सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है तेरे स्कूटर पे जो खून था वो योगिता का था और जो इलेक्ट्रिक आरी पे खून था वो नीरा का। अब तू सीधे सीधे बताएगा कि तेरे हलक में हाथ डाल के उगलवाऊ। बोल। बताता हूँ सर, आलम ने जब मुनीरा को छोड़ा उसके बाद मुनीरा ने नवाज को कांटेक्ट किया था। नवाज, नवाज आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हम जानते हैं, पर अभी भी हमारा तलाक नहीं हुआ है, आप अभी भी हमारे शौहर हैं। साफ साफ कहिए कि आपका आलम से दिल भर गया है, अब हमारे पास क्या लेने आई हैं आप? जाइए अपनी अम्मी के पास चले जाइए। पर आप मेरे को, हम इस घर से आप कहीं नहीं जाने वाले, ये हमारे शौहर है, इसलिए अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। हम कहाँ जाएंगे? आप अपने घर में हमें पनाह दे दीजिए, हम आप दोनों की खिदमत करेंगे। नवाज ने कहा है वो मुझे दोबारा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन है तो मर्द साथ, क्या भरोसा, अगर वो मुनीरा को वापस ले आए तो हमारा क्या होगा? कुछ करो भाईजान। तुम समझ नहीं रहे हो जफर, हम मुनीरा और आलम को सबक सिखाना चाहते हैं। मुनीरा हमें छोड़कर गई थी ना, और आलम
उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो नवाज की बीवी पे हाथ डाल रहा है। देखो तो हमारा ख्याल रखें और जिंदगी भर हम तुम्हारा ख्याल रखें। नवाज ने पीसीओ से फोन करके मुनीरा को एक सुनसान जाकर बुलाया था, पर जब मुनीरा वहां आई तो मैं वहां पे पहले से इंतजार कर रहा था उसका। नवाज, उसके बाद हमको पता था कि अब इसको मारना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं था हमारे पास। उनको मारने के बाद उनके कपड़े उतारे और उनके सर कलम कर दिया ताकि कोई पहचान ना पाए। मुनीरा की लाश तो वहीं छोड़ दिया, योगिता की लाश के टुकड़े करके ताकि ले जाने में आसानी हो तालाब में फेंक दिया, के दोनों के कपड़े और बैग जला के राख गटर में बहा दिया। उन दोनों के सर प्लास्टिक में रखे आलम के घर रख दिया। और वो इलेक्ट्रिक आरी कहां से खरीदी? तो पहले से था हमारे पास, रफेक गैंग के दो लोगों को पहला सफाया किया था हमने। अच्छा, मतलब जो वो दो मर्डर नंदिनी रिपोर्ट कर रही थी तूने किए थे? सर, कभी आपने इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया है? बड़ा मजा आता है, पावर सा आ जाता हाथों में और खून जब सर घाटे में जो खून उछलता है ना फुहारे की तरह, सर आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। इसके खिलाफ चार मर्डर की चार्जशीट दाखिल करो। जफर को योगिता और मुनीरा के कत्ल के लिए और नवाज और नुसरत को इस जघन्य अपराध में साथ देने के लिए गिरफ्तार किया गया। मुनीरा ने अपनी जिंदगी में गलत इंसान को चुनने की गलती की जिसकी कीमत उसने अपनी जान दे के चुकाई, और योगिता वो तो बस गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थी। वो अपने पिता की सोच से दूर जाना चाहती थी और बदकिस्मती से एक आदमखोर कातिल के हाथ लग गई जिसने एक कत्ल को छुपाने के लिए दूसरा कत्ल कर दिया। किसी की जान ले लेना किसी भी मुद्दे का हल हो ही नहीं सकता, ये एक क्राइम है। और आप चाहे कितनी भी तिकड़म लगा लें, एक क्राइम करने के बाद मुजरिम अपने निशान छोड़ ही जाता है, पकड़ा जाता है। आप अपने परिवार को प्यार से संजो के रखें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.